हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आईफोन XR रिलीज के लिए एप्पल ने एक नया अपडेट रिलीज़ करा था। उस अपडेट का हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जो कि 17.5.1 का अपडेट है। इस अपडेट में वो मुझे यूज़ करते हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं। इन 3 4 दिनों में जो आईफोन XR है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, बैटरी बैकअप कैसा है, बैटरी हेल्थ ड्रॉप तो नहीं हो रही है, कंप्लीट इस अपडेट के बारे में मैं आपको रिव्यू शेयर करूंगा, ताकि आपको पता होना चाहिए अगर आप 17.5.1 के अपडेट को अपने इस डिवाइस पे इंस्टॉल करते हो तो कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है इस अपडेट की। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी से। सो सबसे पहले जो अपडेट का साइज़ मेरे को देखने को मिला इस डिवाइस पे 22 4.1 मेगाबाइट, तो हर एक आईफोन के हिसाब से अलग अलग साइजेस आपको देखने को मिले होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस अपडेट के बारे में, इस अपडेट में एप्पल ने क्या फिक्स करा है। तो गैस, इस अपडेट में बहुत से आईफोन यूज़र्स को फोटोज़ की एप्लीकेशन के रिलेटेड काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, कि अगर आप सभी ने भी काफ़ी साल पहले पुरानी फ़ोटोज़ को डिलीट किया होगा तो वो फ़ोटोज़ फिर से आपको 17.5 के पुराने अपडेट में देखने को मिल रही होंगी। सो उस इशू को फिक्स करने के लिए एप्पल ने 17.5.1 के लेटेस्ट अपडेट को रिलीज़ करा है, ताकि उस पर्टिकुलर इशू को फिक्स करा जा सके। सो बात करते हैं यहाँ पर आईफोन XR की परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस कैसा काम कर रहा है, एप्लीकेशंस को ओपन करने की स्पीड कैसी है। तो बारी बारी से मैं अपनी सभी एप्लीकेशंस को ओपन करूँगा और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि कैसी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, एप्लीकेशंस को ओपन करने की जो स्पीड है वो कैसी हो रखी है आईफोन XR के ऊपर। इतना लोडिंग तो नहीं लेता, आप देख सकते हो काफ़ी परफेक्टली काम कर रहा है इनमें एप्लीकेशंस जो मैं यूज़ करता हूँ, और साथ में आप देख सकते हो वीडियोज़ भी इसमें मैं अपनी एडिट्स करता हूँ, तो इसमें कोई भी एप्लीकेशंस का क्रैशिंग और लैगिंग इशू देर को देखने को नहीं मिला। तो अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको सिंपली अपडेट्स पे जाना है और अपनी एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखना है, जो एप्लीकेशंस आप डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे कि मैं इन सभी एप्लीकेशंस को डे टू डे रूटीन में यूज़ करता हूँ, तो मैंने इनको अप टू डेट रखना है, ताकि कोई भी यहाँ पर मेरे को लैगिंग क्रैशिंग इश्यूज देखने को ना मिल सके। सेकंड नंबर के ऊपर बात आती है बैटरी हेल्थ की और बैटरी बैकअप की, कैसा बैटरी बैकअप रहने वाला है इस डिवाइस पे। तो चलिए ओपन करते हैं बैटरी हेल्थ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 84% करंटली यहाँ पर बैटरी हेल्थ हो रखी है। इस अपडेट को जब मैंने इंस्टॉल किया था तो तब भी मेरे को 84% देखने को मिल रही थी, अब भी मेरे को 84% देखने को मिल रही है। इसमें कोई भी ड्रॉप नहीं आया है बैटरी हेल्थ में, ये एक प्लस पॉइंट है आईफोन XR यूजर्स के लिए। और बात करें ओवरनाइट बैटरी ड्रेन के इशू की, तो वो आपको स्टिल अभी भी आईफोन XR पे रिसीव होने वाला है। आप देख सकते हो बैटरी का ग्राफ नीचे को पॉइंट कर रहा है, एक जगह स्टेबल नहीं रह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 10 से लेकर 12% बैटरी जो है वो रात के टाइम पे आईफोन XR ड्रेन कर देता है, जब आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे होगे तब भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन मोड में पड़े पड़े ये अपनी 10 से लेकर 12% बैटरी को ड्रेन करता है इजीली रात के टाइम पे। डे टू डे रूटीन में आपको इस डिवाइस को 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ सकता है, अगर आप काफ़ी हैवी यूज़ करते हो अपने डिवाइस को। तो ये कुछ एप्लीकेशंस मैं डे टू डे रूटीन में यूज़ करता हूँ आईफोन XR पे। स्क्रीन ऑन टाइम इस डिवाइस का कई कबार 3.5 घंटे पहुँच जाता है, स्क्रीन ऑफ टाइम इसका 10 मिनट तक पहुँच जाता है कभी कभार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब इसकी बैटरी की स्टोरेज चेक कर लेते हैं आईफोन की, तो स्टोरेज में कोई बग्स तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईफोन की स्टोरेज में आपको कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिस्टम डेटा कैलकुलेटिंग शो कर रहा है और आपकी एप्लीकेशंस को लोड नहीं कर रहा है ये डिवाइस, ऐसा कोई भी इशू इस अपडेट में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और हीटिंग की अगर बात करें, हीटिंग इशू आपको इस डिवाइस पे देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मियां चल रही हैं तो गर्मियों में ऑब्वियसली आईफोन हीट करते ही करते हैं, और आपका जो डिवाइस है वो 80% के ऊपर भी आके स्टक हो जाता होगा। मेरे को पता है क्योंकि मेरा खुद का डिवाइस स्टक हो जाता है 80% के ऊपर, क्योंकि इसको जो टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, उसी कारण जो है वो आपका डिवाइस स्टक हो जाता है 80% या 70% या 90% के ऊपर। तो ये कॉमन सी बात है, आपको अगर चार्ज लगाना है अपने डिवाइस को, ठंडे कमरे में जाकर अपने डिवाइस को चार्ज लगाओ, तब आपका डिवाइस 80% से ऊपर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है नेटवर्क्स की। नेटवर्क्स आप देख सकते हो सिग्नल्स करंटली आपको यहाँ पर 1 शो कर रहा है, बट कॉलिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है। अभी मैं घर के अंदर हूँ, जब मैं आउटडोर्स कहीं जाता हूं तो मेरे को फुल सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं अपने डिवाइस पे, और यहां पर वाईफाई में भी कोई भी पुअर कनेक्शन इशू आपको देखने को नहीं मिलने वाला है।
तो ये है कंप्लीट रिव्यू आईफोन XR के ऊपर 17.5.1 के नए स्टेबल अपडेट का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।